राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने, मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतना सा तो है। पहले अपने आप को देखो तुम, मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। राजू ने भी कर दिखाया। तो क्या हो गया, दो आम गिरा के कौन सा तीर मार लिया तुमने? ठीक है कालिया, तो कुछ और करके दिखाता हूँ। लो, राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं? देखो ये छोटा नन्ना राजू। नहीं ठीक है फिर कालिया, हो जाए प्रतियोगिता। भीम, अब तुम ही हमारी क्षमता की परीक्षा लो। हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। कालिया, राजू, हमने तुम दोनों के लिए 5 कार्य सोचे हैं। जो सबसे अधिक में जीत गया वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। जल्दी करो, मुझे जीतने के बाद पेट पूजा भी करनी है। जो पहले ऊपर पहुंच गया वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। धन्यवाद कालिया। ठीक है ठीक है। तो ऊपर कौन पहुंचा पहले? हम दोनों साथ में, लेकिन कालिया नहीं होता तो मैं गिर जाता। चलो चलो, बहुत हो गई बातें। वो क्या है कालिया? पेट पूजा। और क्या? दिशा में हम मुड़ नहीं पाएंगे। इंसानों की दुनिया से ना, देखना चाहते हो पिरानों का राज,
तो ये लो मेरे दोस्त। अब तुम जिसको भी काटोगे हमारे जैसा ही बन जाएगा। बना दो अपनी शक्ति से पिरानों की सेना। कल सुबह ही ढोलकपुर पर होगा हमला, पिराना राजा का हमला। मछली हो जो कल घायल थी। अरे मुझे क्या हो रहा है? राजू जग्गू जाल बना दो। ओए पिराना राजा, धन्यवाद बेटा। देखो ढोलू बोलू, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो, मैं ये पानी अब कहीं पे भी पहुँचा सकता हूँ। मेरे पानी को कहीं पे भी पहुँचा दोगे चोर? अभी लाया। राजू मैं तुम्हें जोर लगा के हाय शा। भीम जग्गू और जोर से, हमें जीत कर ही रहना है। उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छचिंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। पहुंच गए चंपू पानी में, अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहां तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। ठीक है, नाव को दाई तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। गिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये
मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। जेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना? देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ? राजू संभल कर। राजू तुम ठीक हो ना? मस्त। कर रहे हो। ओ, अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। आ जाओ। हाँ बेटी। ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी, ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। जरा देखो तो, लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो। चलो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे
आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने तीन प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, हम तुम्हें एक मेहमान से मिलवाना चाहते हैं। कौन है ये? नाम है रोमियो, खाता हूँ रसगुल्ले, कहते हैं मुझे रसगुल्ला रोमियो। खाओ, तुम भी खाओ। आप भी खाइए महाराज। महाराज, ये मजबूरी है रोमियो की और उसके गांव रसगुल्लापुर की। क्या हुआ तुम्हारे साथ रोमियो, बताओ हमें। कहानी है ये मीठे मस्ती भरे रसगुल्लापुर की। रसगुल्लापुर, ये कैसा गांव है, कितना अजीब नाम है इस गांव का। चलो देखो तो सही, खाऊ रानी को रसगुल्लापुर पसंद आएगा या नहीं। सुबह शाम तुम लोग ये क्या खाते रहते हो, क्या है आखिर रसगुल्ले? अभी पता चला ऐसी क्यों हो, तुमने कभी रसगुल्ले ही नहीं खाए। ये लो। खाऊ रानी को पसंद है ये रसगुल्ला, वाह भाई वाह। सुनो रोमियो, आज से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। नहीं 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 नहीं, रसगुल्लापुर वाले कभी किसी और के लिए काम नहीं करते। मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो। खाऊ रानी तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। भीम, गांव गांव गलियों गलियों में छोटा भीम के चर्चे हैं, बचा रहो हमें भीम। जरूर दोस्त। चंदा डूबे सूरज,
बंद है बच्चों? लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह। इतनी आसानी से तोड़ दिया। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार कर। गया वापस और अपने साथ दोस्त भी लाया है। हाँ, मेरा दोस्त छोटा भीम। रसगुल्ला पुर छोड़ कर चली जाओ। जग्गू तुम भी ना। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी। ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक दो बल्कि 15 आम है। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल।
अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। मिल गई ना बोरी। अब देखो क्या होता है। देखो अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। ये तो बड़ा कमजोर निकला, हमें इसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो। पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो दो कालिया। वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। अच्छा बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। जंगल में मुझे आराम करना चाहिए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। पीछे पीछे मैं बहुत थक गया हूँ, प्यास भी लगी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब हम इसका क्या करेंगे? आइडिया। चिंता मत करो नन्हे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचा देंगे। तुम नहीं पहुँचा सकते। तुम बोल सकते हो? हाँ मैं विवू हूँ। माँ ने खास तौर से कहा था कि बोलना नहीं, उड़ना नहीं, शैतानी नहीं करना। काश मैंने उनकी बात सुनी होती एक अच्छे बच्चे की तरह, जैसे भीम अपनी माँ की बात सुनता है। जैसे भीम? हाँ मेरा सुपर हीरो छोटा भीम। तो तुम कभी भीम से मिले नहीं? तो फिर अब मिल लो। हाँ भीम, तुम सच्ची छोटा भीम हो। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। मैं माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन। मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो ये तो ढोलकपुर वन से थोड़ा आगे है। और मैंने ये भी सुना है वहाँ हर जानवर उड़ सकता है ना भी वो? छोटा भीम मेरा सुपर हीरो। छोटा वीवू मेरा प्यारा छोटा दोस्त। आकाशवन और थोड़ा आगे तुम्हारा घर या गुफा कहाँ है वीवू? माँ। हाँ वीवू तुम्हारी माँ जल्द ही मिल जाएंगी। नहीं माँ, माँ।
भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं आकाश में के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। वीवू, अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरे सुपर हीरो की तरह।